गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, कुछ पार्ट किए थे 1, 2, 3, 4 और हमारे पास था 6 पार्ट हम लोगों ने किया था। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 जो अलग टाइप के क्वेश्चन वो करेंगे, तो 3 अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसको देखिए, आपको दे रखा है कि भाई इसके अंदर क्या है कि पहले हम कर रहे थे मोनोमियल के अंदर कर रहे थे, बाइनोमियल के अंदर भी दो टर्म्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, वो हम आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस पूरे को ऐड कर लो कि कैपिटल के और इस पूरे को ऐड कर लो कैपिटल के, यानी दो डिजिट की स्क्वायर किया हो बीच में माइनस का साइन, तो उसको एक बार प्लस में ले सकते हैं एक बार माइनस में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक बार प्लस में लिख दो उसको और एक बार माइनस में लिख दो, तो यहाँ पर ए कौन है, यहाँ पर ए है आपके एल प्लस एम और यहाँ पर बी कौन है एल माइनस एम। तो एल इसको करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि एल प्लस एम में ऐड करना है एल माइनस एम, तो ऐड करते वक्त तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना ए प्लस बी ए माइनस। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जैसे एल प्लस एम का सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो उसको इस ब्रैकेट में रख लेना क्योंकि वो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा उसमें, इस वाले में जो प्लस का एम माइनस का एम कैंसिल हो गया, एल और एल कितने एल हो गए, एक एल था और एक एल, एक एल एक एल कितने हो गए टू एल हो गए, ये हो गए टू एल। इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट खोल करके, टू एल प्लस एम माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो अंदर वाले साइन चेंज कर देते थे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस का है प्लस में हो जाएगा। तो इसमें देखिए माइनस का एल प्लस का एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टू एल ऑलरेडी था, यहाँ पर एम प्लस एम कितने एम हो गए टू एम हो गए। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका डिजिट से डिजिट का मल्टीप्लाई, L into M कितना हो गया 4LM, इस तरह से आराम से कर सकते हो आप, सिंपल सा क्वेश्चन था आराम से किया जा सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट वाली टर्म तो खुद एक होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है देखिए x स्क्वायर माइनस 2x² प्लस y स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है x माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये वाला तो फॉर्मूला बन गया सीधे x माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस के z स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास पड़ा है। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वापस से सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट नजर आ रही है तो आप फॉर्मेट लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फॉर्मेट होती है तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, ये फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो ए की जगह पे कौन है एक्स माइनस वाई, ए यहाँ पर कौन है एक्स माइनस वाई और बी यहाँ पर कौन है जेड है, वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है, वैल्यू रख देते हैं x माइनस वाई में प्लस करना है z, x माइनस वाई में माइनस करना है z। अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, ये आपका आंसर है, आसान है बच्चों बिल्कुल आसान। इसी तरह से अब ये वाला जो करेगा ना इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना क्योंकि इसके अंदर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 25a² वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25a² एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पीछे वाले जो नंबर बन रहे हैं ना देखिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2a भी स्टेप है तो सही, लेकिन साइन जो है गलत जगह आया है, ये दोनों माइनस में नहीं होते, ये दोनों प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए था तब जाके वो होल स्क्वायर बनता। तो 25a² को तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन तीनों में से 1, 2, 3 इन तीनों में अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो टर्म क्या बचती है 4, माइनस क्या है वो प्लस बदल जाएगा, प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस में एक इसमें बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 2b का होल स्क्वायर 7c का होल स्क्वायर करके आइडेंटिटी बना सकता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। ये पढ़ा रहने दो अपनी जगह पे, फ्री है ये, इसको छोड़ो। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 जैसे हमने पुराने जो क्वेश्चन किए थे उसमें किया, इसको 2ab के स्टॉप को छोड़ देते हैं एक बार आगे लगा के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं
ए की जगह पे, अगर मैं ए की जगह पे मैं रखता हूँ टू बी और बी की जगह अगर मैं रखता हूँ सेवन सी, तो क्या ये स्टेप बनती है? करके देखते हैं, टू बी सेवन सी रख के देखते हैं, तो सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट बी सी, बिल्कुल बन रहा है, यानी हम सही है। तो ये फॉर्मेशन हो गई। अब आपके पास अच्छे से पता है कि ये फाइव ए का तो होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर हो गया ये वाला। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर फॉर्मेट होती है तो उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पर ए क्या है टू बी है और बी जहां पर क्या है सेवन सी है। तो ये फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, पता है मैम। तो यहां पर आप रख देते हैं टू बी माइनस सेवन सी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट आपके पास आ जाती है। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो हमने इसको समझाने के लिए मैंने आपको बता दी कि ये बना कैसे, ठीक है। अब मेनली जो फॉर्मूला यूज होगा, अब आइडेंटिटी वापस से इसकी जैसे होगी जैसे हमने इसमें लगाया था, तो यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी लगनी है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मेट अगर होती है उसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। बच्चों इसको रिटर्न प्रैक्टिस करके देखना, दो बार अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करके जरूर देखना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5a में एक बार प्लस करेंगे इसको 2b माइनस सी को, एक बार प्लस करना है। इसी तरह से 5a में से माइनस करना है 2b माइनस सेवन को। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलना जरूरी है, ब्रैकेट खोलेंगे 5a प्लस 2b माइनस सेवन सी, ये हो गया। इसी तरह से इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का टू बी प्लस का सेवन सी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ए कौन था यहाँ पर, ए था 5a, बी कौन था यहाँ पर 2b माइनस सेवन सी, ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्या यूज़ किया है आइडेंटिटी यूज करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या किया हमने, इसको 5a का होल स्क्वायर लिखा और इन तीनों में हमने देखा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म माइनस में, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमने माइनस कॉमन ले लिया इससे, तो उससे क्या हो गया, ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब इसको हमने पुराने वाले क्वेश्चन की तरह किया, इसको क्या बना दिया, और 4b स्क्वायर को क्या लिखते हैं 2b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं 7c का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई आपके, क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2b और b की वैल्यू क्या है 7c, तो वैल्यू रख दी माइनस के अंदर का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट, तो जो कि होता है इसको एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, लेकिन ब्रैकेट के टाइम अगर बाद में होती है तो उसको ब्रैकेट में ही रखना पड़ता है ब्रैकेट खोलने के लिए। कैसे, जिसे इसको रखा तो प्लस में रखा, इसको माइनस में रखा, क्योंकि माइनस रखते साइन चेंज हो जाता है तो साइन चेंज जरूर हो। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से करें सारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारे बच्चे ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। चलो जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।